परिचय। हेलो दोस्तों, आज नायरा अपनी दोस्त को कांगड़ी के बारे में बता रही है, जिसे कश्मीरी लोग सर्दियों में स्वयं को गर्म रखने के लिए प्रयोग करते हैं। कांगड़ी एक मिट्टी का बर्तन है जिसके अंदर जलता हुआ चारकोल होता है जो कि ऊष्मा उत्पन्न करता है। कश्मीरी अपने कपड़ों के अंदर इसे हमेशा रखते हैं। नायरा की दोस्त कहती है कि अगर आग की खोज नहीं हुई होती तो जीवन कितना मुश्किल हुआ होता। आओ इस अध्याय में आग की कहानी के विषय में और अधिक जानें। आओ सीखें। आग की कहानी बताना, आग के उपयोगों को बताना, आग पर काबू पाने के दौरान बरतने वाली सावधानियों की सूची बनाना। आग की कहानी। कई वर्ष पहले लोग आग के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वे रात को अंधेरे में रहते थे और बिना पका हुआ भोजन खाते थे। एक दिन अचानक एक मनुष्य ने गलती से दो पत्थरों को आपस में रगड़ दिया और तभी एक चिंगारी उत्पन्न हुई और मनुष्यों ने आग के बारे में जाना। आजकल कई अन्य साधनों जैसे माचिस को रगड़कर तथा गैस लाइटर को दबाकर आदि से आग उत्पन्न की जाती है। आग के उपयोग। चलिए अब जानते हैं कि आग हमारे लिए कैसे उपयोगी है। आग के बहुत सारे उपयोग हैं। हम आग का प्रयोग प्रकाश के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने घरों में प्रकाश करने के लिए मोमबत्तियों और लैंपों का प्रयोग करते हैं। हम आग का उपयोग भोजन पकाने और पानी को गर्म करने में भी करते हैं। अधिक सर्दी होने पर हम गर्मी पाने के लिए अलाव जलाते हैं। हम धातुओं को पिघलाने में भी आग का प्रयोग करते हैं। आग पर काबू पाना। यदि आग को सही तरीके से काबू नहीं किया गया तो इससे भयानक क्षति हो सकती है। चलिए अब आग पर काबू पाने के दौरान बरतने वाली सावधानियों के बारे में जानते हैं। ज्वलनशील पदार्थों जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस आदि के पास माचिस कभी ना जलाएं। आग वाले स्थान के अधिक पास कभी भी खड़े ना हों, अन्यथा आपके कपड़े आग पकड़ सकते हैं। दुर्घटना के दौरान आग से बचाव के लिए अपने घरों और कार्यालयों में हमेशा आग बुझाने वाले यंत्र रखें। भयानक आग लगने की अवस्था में तुरंत फायर स्टेशन पर कॉल करें। घाव पर तुरंत ही पानी डालें। आओ खेलें। सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमने क्या चर्चा की? कई वर्ष पहले लोग आग के विषय में नहीं जानते थे। आग की खोज गलती से हुई थी। आग का प्रयोग प्रकाश, भोजन पकाने, पानी गर्म करने और धातुओं को पिघलाने में किया जाता है। आग को सही ढंग से काबू करना चाहिए, अन्यथा इससे भयानक क्षति हो सकती है।